हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री टॉपिक का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो है वाटर वेपर डेंसिटी से। दोस्तों, यह क्वेश्चन दिसंबर 2018 में NTA में पूछा गया था। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। वाटर वेपर इन एन अर्बन एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू एक्सर्ट अ प्रेशर ऑफ 6.9 मिलीबार एट 27 डिग्री सेल्सियस। द डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर इज, इसमें चार हमें ऑप्शन दिए हैं, केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, केजी पर मीटर क्यूब होगी। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कौन सा इसमें न्यूमेरिकल में कौन सा फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला इसमें यूज़ करना, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर d इज इक्वल टू p डिवाइड बाय t इनटू rw। तो इसमें दोस्तों देख लेते हैं p हमारा क्या है, p हमारा प्रेशर। दोस्तों, इसमें आपको यूनिट का ध्यान देना है, जो प्रेशर की यूनिट है वो पास्कल में ही रहेगी। अगर वो किसी और टर्म में दोगी तो आपको उसे कन्वर्ट करना होगा पास्कल में। तो इसलिए आपको जितने भी कन्वर्ट रहना है प्रेशर के लिए, आपको सारे याद होने चाहिए जो पास्कल में डिराइव्ड हो। इसके बाद जो टेम्परेचर है T, तो टेम्परेचर हमारा केल्विन में ही होगा। दोस्तों, याद किया, यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा केल्विन में ही रहेगा। तो इसके बाद हम चलते हैं RW हमारा गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट फॉर वाटर वेपर इज इक्वल टू 461.5 जूल केजी केल्विन। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा जो गैस कांस्टेंट है वो भी इन टर्म ऑफ केजी केल्विन और जूल के टर्म में हमने इसे यूज किया है। तो इसके बाद देखते हैं जो हमें गिवन है, गिवन हमें क्या क्या गिवन था। प्रेशर गिवन था, प्रेशर जो हमारा 6 मिलीबार, और हमें टेम्परेचर दिया था T इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमें वैल्यू गिवन है उसको पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करके उसे हम पुट कर देंगे फॉर्मूले में। तो जैसे ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसमें हमने 6 हमें मिली बार देते हैं, हमें कन्वर्ट करना है पास्कल में, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 1 मिली बार इज इक्वल टू 100 पास्कल होता है। तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 600 पास्कल में आ जाएगा कन्वर्ट करके। वैसे ही हम टेम्परेचर हमें दिया डिग्री सेल्सियस, हमें करेंगे केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उसमें हम 273 ऐड कर देते हैं। तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पे 27 प्लस 273 ऐड कर दिया, और जो हमारा आर कांस्टेंट है इन टर्म्स ऑफ केल्विन और केजी, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 0.00433 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ 10 टू पावर, तो हमारा जो वैल्यू है 0.33 केजी पर मीटर। दोस्तों, इसका आंसर जो हमारा है ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल।